क्या मुझे नौकरी मिल सकती है? आपका किसमें अनुभव है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो कुछ नहीं, सफाई, चाय कॉफी परोसना, नहीं कुछ भी नहीं। मुझे नौकरी दो, लेकिन आपके कौशल्य क्या है? कुछ भी नहीं, मैं कोई काम नहीं करूंगा, उसके बावजूद मुझे वेतन भी दो। ये क्या पागल है क्या? आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे ना। वैसे आपको बता दूं कि जापान में एक शख्स है जिसे कुछ ना करने के पैसे मिलते हैं। यह दुनिया में पहली बार है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जापान के शोजी मोरीमोटो नाम का एक 39 वर्षीय व्यक्ति खुद को किराए पर देता है, जिसके लिए उसे भुगतान किया जाता है। लेकिन वह क्या करता है? वह कुछ नहीं करता। वह खुद को बस बैठने और इसके लिए भुगतान करने के लिए पेशकश करता है। अतः वह बहुत लोकप्रिय हो गया है। वह खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में विज्ञापित करता है जो आपके साथ बैठ सकता है, खा सकता है और पी सकता है और फीडबैक दे सकता है। बस यही, और इसके लिए भुगतान मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी आसानी से पैसे कमाना संभव नहीं है, लेकिन यह सच है। मोरीमोटो ने 2018 में ट्विटर के माध्यम से साथी की पेशकश की थी। उसके फॉलोअर्स की संख्या में वृद्धि हुई और अब उसके 2.5 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। वह बैठने और साधारण फीडबैक देने के अलावा और कुछ नहीं करता। अजीब है, वह प्रति घंटे वास्तव में अच्छा कमाता है। मोरीमोटो ने कहा कि उसे उन लोगों से 3,000 से अधिक अनुरोध मिले हैं जो उसे काम पर रखना चाहते हैं। वो 3,000 रिक्वेस्ट! कंपनियां कुशल कर्मचारियों को काम पर रखती है और भुगतान करती है ताकि बदले में कंपनी आगे बढ़े। लेकिन मोरीमोटो उन लोगों को साथ देता है और उनकी बात सुनता है जो कभी कभी अपनी कहानियां उसके साथ साझा करते हैं, और उन्हें सुनने के लिए उसे भुगतान किया जाता है। हैरानी की बात है ना। मोरीमोटो का कई लोगों ने इंटरव्यू लिया, उसने 2 पुस्तकों को प्रेरित किया और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। मोरीमोटो के परिवार, सहपाठियों, सहकर्मियों ने उसे बेकार, आलसी कहा और माना कि वह कुछ नहीं करता। उसने इन गालियों को कुछ नहीं करने के व्यवसाय में बदलने और इसके लिए भुगतान पाने के लिए बारे में सोचा। आमतौर पर जब लोग किसी को बुरा कहते हैं तो वे और अधिक प्रगति करने के लिए प्रेरित होते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति के साथ संपर्क काट देते हैं। लेकिन मोरीमोटो अलग है। उसने कुछ ना करने के ताने को व्यवसाय में बदल दिया और प्रसिद्ध हो गया। इससे पहले मोरीमोटो ने घरों को साफ करने, एक प्रेतावादित घर में रहने, कपड़े धोने आदि में मदद के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। उसने न्यूड फोटो खिंचवाने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया था। वह अब रिटेल डू नथिंग व्यक्ति है जो कुछ नहीं करता लेकिन भुगतान मिलता है। अजीब। आपने अनुभव के बारे में बात करते हुए मोरीमोटो ने कहा कि वह एक महिला से मिला था जो 30 के दशक में थी। वे बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप कॉफी पीने के लिए बैठे और फिर बस चले गए। वे बस बैठे और एक दूसरे को देखा। वह किसी के साथ हेलीकॉप्टर की सवारी कर डिज्नीलैंड गया था। विजिट के बाद वे वापस लौट गए, बस इतना ही। वह आत्महत्या के प्रयास करने वाले किसी व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताने के लिए अस्पताल भी गया था। मोरीमोटो के साथ अपनी कहानियों को साझा करने के बाद व्यक्ति को आराम महसूस हुआ। मोरीमोटो ने एक धोखेबाज को उसकी धोखाधड़ी की कहानियों को कबूल करते हुए भी सुना है। आश्चर्यजनक। कभी कभी मोरीमोटो अपने क्लाइंट के साथ बातचीत करता है, जबकि कभी कभी क्लाइंट चाहता है कि कोई उनकी बात सुने। मोरीमोटो अपने ग्राहकों को आंकता नहीं है, वह केवल उनकी बात सुनता है और जानकारी को गोपनीय रखता है। उसी के लिए उसे भुगतान किया जाता है। आश्चर्यजनक है ना।
मोरिमोटो कड़ाके की ठंड में एक संघर्षित स्ट्रीट संगीतकार के लिए एकमात्र दर्शक के रूप में भी खड़ा था। मोरिमोटो एकमात्र व्यक्ति था जो उसे सुन रहा था। इससे उसे बहुत आशा मिली और वह प्रसिद्ध हो गया। मोरिमोटो सहानुभूतिपूर्ण था और अकेले रहने वाले लोगों को साथ देता है। इसका मतलब था कि उसे कोई काम नहीं किया लेकिन उसका साथ दिया। बहुत बढ़िया। उसने हजारों अनुरोध मिलते हैं लेकिन वह लगभग हर दिन सिर्फ 3 अपॉइंटमेंट देता है। वह प्रति घंटे 10,000 येन का शुल्क लेता है जो कि $71 है, यानी लगभग 7,000 रुपये प्रति घंटा। इस तरह वह कुछ ना करने के लिए भुगतान लेके बहुत कुछ कमाता है। चौंका देने वाला। क्या आपको लगता है कि यह एक अच्छा काम है या नहीं, हमें कमेंट्स में बताइए।